हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई जनरेटर को किस तरह से बनाया जाता है और ये किस उसूल पे काम करता है। तो दोस्तों, छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे, तो बात एक ही है, यानी कि मैग्नेट के अंदर कॉयल घूमे या कॉयल के अंदर मैग्नेट घूमे तो बिजली बनती है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये दोनों ही काम मैं आपको बाय प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक डीसी मोटर का। डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। अगर इन तारों में मैं वोल्टेज दूंगा तो ये घूमना शुरू कर देगी, और अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो ये बिजली बनाना शुरू कर देगी। यहाँ पे मौजूद है मेरे पास एक मोटर और उसके साथ एक गेयर बॉक्स। तो दोस्तों, ये गेयर बॉक्स मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि मैं इस नॉब को घुमाऊं एक चक्कर और ये गेयर बॉक्स चलेगा 100 चक्कर। तो दोस्तों, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसकी ये एलईडियां जलना शुरू कर देंगी, क्योंकि मैं एक चक्कर घुमाऊंगा और मोटर घूमेगी 100 चक्कर। तो दोस्तों, हाई आरपीएम की वजह से वोल्टेज जनरेट होगा और ये एलईडी लाइट जलना शुरू कर देंगी। तो दोस्तों, देखिए कुछ ऐसे। अब इसको हम दूसरे साइड से भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिएगा आप, इसके अंदर भी वही मोटर लगी हुई है, बस इसके साथ गेयर बॉक्स साथ में शामिल है। तो दोस्तों देखिए, अब इस नॉब को हम दोबारा से घुमाते हैं और ये देखिए एलईडी लाइट्स ने जलना शुरू कर दिया। अब ये दोनों काम हम एक साथ करेंगे। दोस्तों, दो मोटर्स मैंने यहाँ पे एक साथ जोड़ ली हैं और एलईडी लाइट्स भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और मैकेनिकल एनर्जी दूसरी मोटर के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो 6 LEDs हैं ये जलना शुरू कर देंगी। दोस्तों, ये भी करके देख लेते हैं। इसके साथ भी मैंने गेयर बॉक्स लगाया हुआ है। अब दोस्तों, एक चार्जर के ज़रिए हम इसे एक मोटर को पावर देंगे, और ये एक मोटर दूसरी मोटर से जुड़ी हुई है शाफ्ट के ज़रिए, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है दूसरी में शिफ्ट होगी, और दूसरी में जैसी शिफ्ट होगी तो वो मैकेनिकल एनर्जी दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि मेरे तार लगाते ही एक मोटर घूमेगी, उससे दूसरी मोटर और बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी दोबारा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी इस मोटर ने दूसरी को घुमाया और दूसरी ने दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर दी है। तो दोस्तों, ये उसूल आपको समझाना था। इस मोटर की जगह अगर कोई इंजन होता तो वो भी डायनामो को घुमाता और बिजली बन जाती। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप,